हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत का भूगोल आज खत्म हो जा रहा है। आपको 4 से 5 क्वेश्चन भारत के भूगोल के बचे हुए हैं। उसके बाद विश्व के भूगोल में हम लोग इंटर करेंगे। जैसा कि हमने बोला था कि भूगोल में आपको भूगोल का खत्म होने वाला है सिलेबस, लेकिन केवल और केवल भारत का भूगोल खत्म हो गया। विश्व का भूगोल खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम लोग पॉलिटी का जो है ना, अभी से ही बीच में स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मैं पॉलिटी के साथ हिस्ट्री भी स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अभी जो है ना, भारत का भूगोल के बाद 4-5 क्वेश्चन के बाद हम लोग विश्व के भूगोल में इंटर कर जाएंगे। और विश्व का भूगोल जो है ना, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, उसको भी खत्म कर लिया जाएगा 10 दिनों के भीतर। तो क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं, हम लोग आज के जो पहला सवाल है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आज का पहला प्रश्न क्या है कि 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में हुआ? आपको पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापना किया गया था, स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट जो कॉटन मिल था, फर्स्ट जो आपको सूती कारखाना का स्थापना, वो कलकत्ता के फर्स्ट ग्लास्टर में हुआ था। कौन सा में? कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में आपको जो है ना, आपको पहला सूती वस्त्र कारखाना का जो है ना स्थापना हुआ था। कब हुआ था? वो 1818 ईस्वी में। आगे की ओर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगला प्रश्न क्या है बेटा कि भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई? भारत में पहला जो कपास मिल, वही आपको कॉटन मिल 1818 में। कब? तो 1818 में। कहाँ पे? तो कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में। नेपा नगर का संबंध जो है ना किस उद्योग से है? तो नेपा नगर जो है ना आपको अखबारी कागज से संबंधित है। नेपा नगर एमपी में ही आपको है। नेपा नगर कहाँ पे है? आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका संबंध जो है ना आपको अखबारी कागज से संबंधित है, नेपा नगर। ठीक है, अखबारी कागज से नेपा नगर एमपी में ही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पे है? तो करनाल में, हरियाणा, हरियाणा के करनाल में। हरियाणा का जो करनाल है उसमें आपको कहाँ क्या है? आपको हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको हरियाणा के करनाल में। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। दलहन अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पे है? कानपुर। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। ठीक है, आपके पास अगला क्वेश्चन है, भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान जो है ना आपको कहाँ पे है? सूरत में। आपको हीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो सूरत में। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ। गन्ना, गन्ना का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है? तो हमने क्या बताया था आपको? यूपी। गन्ना का सबसे ज्यादा आपको जो है ना प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है? तो यूपी। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है ना आपको यूपी का जो राजधानी है, कैपिटल है लखनऊ, वहीं पे है आपको गन्ना अनुसंधान केंद्र। किस राज्य में प्रदेश, किस राज्य में आपको जो है ना राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें आपको राजमार्गों की लंबाई सबसे ज्यादा है। राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो आपको महाराष्ट्र में है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ना आपको क्या है? आपको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपको राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, ठीक है, मुंबई और उसके साथ साथ जो है ना चेन्नई, और आपको जो है ना क्या हुआ, चारों महानगर को जोड़ने की। दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, दिल्ली और मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, इन चारों को जो है ना, इन चारों महानगर को जोड़ने की जो आपको प्रोजेक्ट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्ड, आपको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये दिल्ली, उसके बाद जो है ना आपको चेन्नई, सॉरी दिल्ली के बाद जो है ना ये आपको क्या हो गया, मुंबई, और ये रहा आपको चेन्नई, ये क्या रहा आपको कलकत्ता। इन चारों जो है ना आपको महानगरों को जोड़ने की जो योजना है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जो है उसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जानते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? चारों महानगर को जोड़ने की, सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने की योजना। किसके द्वारा? सड़क मार्ग द्वारा, जो चारों महानगर हैं उन चारों महानगर को आपको सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने की योजना को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। ठीक है,
हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो ये है कि प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना किससे संबंधित है। तो भारत जोड़ो योजना राजमार्ग के विकास से, वही नेशनल हाईवे आपको सड़कों के विकास से, राजमार्गों के विकास से संबंधित है। भारत जोड़ो, भारत को कैसे जोड़ा जाएगा भाई, तो सड़क से जोड़ो जोड़ना है। तो आपको जो है भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है, राजमार्ग के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ। 1853 में हुआ था, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। तो आपको 16 अप्रैल 1853 को जो है ना सबसे पहले भारत में आपको रेल मार्ग तैयार हुआ था। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो रेल मार्ग जो है ना आपको कहा, तो 16 अप्रैल को सबसे पहली बार चला था, 16 अप्रैल 1853 को चला था। उस समय किसका शासनकाल था, तो लॉर्ड डलहौजी का था। किसका भाई था, डलहौजी का। आपको शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में आपको भारत में सबसे पहली बार रेल चलाई गई थी। ठीक है, वो आपको कब चलाई गई थी, तो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे, उस समय बॉम्बे बोला जाता था, तो वो जो है ना आपको मुंबई से आपको ठाणे के बीच जो है आपको ये ट्रेन चलाई गई थी। कितना किलोमीटर चलाई गई थी, तो 34 किलोमीटर आपको ये ट्रेन चलाई गई थी, ये भी आपको बता दिया मैंने। तो आपको 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहले ट्रेन चलाई गई भारत में। ठीक है, आपको किसके शासनकाल में, तो ये भी बताया लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और कब, कहां से कहां, तो मुंबई से ठाणे, कहां से कहां भाई, तो मुंबई से ठाणे चलाई गई थी। और आपको कितना किलोमीटर डिस्टेंस, तो 34 किलोमीटर डिस्टेंस को आपको ट्रेवल किया था आपको जब पहली ट्रेन चलाई गई थी भारत में। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा। आपको आगे की ओर बढ़ते हैं, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों पर चलाई गई थी। तो अभी तो बताया हमने कि जो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, आपको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी, और 34 किलोमीटर चलाई गई थी। ये रहा आपको पूरा उत्तर। इससे एक भी कभी भी पूछ सकता है, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। साल की लकड़ी का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो साल की लकड़ी का जो उद्योग होता है रेलवे के स्लीपर बनाने में किया जाता है। पहले आप लोग जानते हैं, अब तो जो है ना वो सीमेंटेड जो है स्लीपर बनता है। पहले आप लोग देखे होंगे कि जो आपको रेलवे की पटरियों के नीचे जो आपको जो दो पटरियों के बीच में, ये पटरी है ये पटरी है, तो इनके बीच में आपको ये लकड़ी से जो है ना इन दोनों के बीच में आपको जोड़ा जाता था इन पटरियों को। तो इन पटरियों के नीचे जो है ना आपको जो लकड़ी होता था, तो वो साल का वृक्ष का जो है ना आपको कटिंग करके साल का वृक्ष होता था। तो साल का जो लकड़ी होता था, जो साल का, सॉरी वृक्ष में बोल रहा हूँ, साल का जो लकड़ी होता था उस लकड़ी का उपयोग किया जाता था। वो कौन सा होता था भाई, तो साल के जो है ना लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो साल की लकड़ी का उपयोग किस में होता है, रेलवे स्लीपर में। अब तो सीमेंटेड होते हैं, ठीक है, देखा होगा आपने, साल की लकड़ी का उपयोग जो है ना किस में होता है, रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है। उड़ीसा तट पे जो है ना पारादीप है, उड़ीसा के तट पे कौन सा बंदरगाह है, पारादीप। हल्दिया कहाँ पे है भाई, तो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया। ठीक है, मुंबई तो आपको महाराष्ट्र में, विशाखापत्तनम बंदरगाह आपको आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। मुंबई आपको महाराष्ट्र में, हल्दिया बंदरगाह आपको वेस्ट बंगाल में, और आपको जो उड़ीसा के तट पे बंदरगाह है वो पारादीप बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के तट पे है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, वही पारादीप है। ठीक है, पारादीप जो है ना आपको सर्वाधिक गहराई वाला। आपको एक कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, तो गुजरात में, कांडला बंदरगाह गुजरात में। कांडला कहाँ पे है आपको, गुजरात में, कोचिन केरल में, कोचिन केरल में। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को भी देखते चलिएगा। ठीक है, आपको सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह पारादीप जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। अगला प्रश्न ये है कि भारत में किस राज्य में सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला का तो आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, आपको हमेशा जो है ना आपको ये सुर्खियों में रहता है ये मंदिर सबरीमाला, जो कि केरल में अवस्थित है। कौन से राज्य में अवस्थित है, तो केरल में है। हमारे पास अगला प्रश्न है, आपको कौन जोड़ी सुमेलित नहीं है, तो आंध्र प्रदेश, ये आपको जो है ना प्रक्षेपण केंद्र दिया हुआ है, आपको जो रिसर्च सेंटर है और उसका राज्य है, तो श्रीहरिकोटा कहाँ है भाई, आंध्र प्रदेश, जहां से, वहीं से जो है ना आपको चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया, वहीं श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को। तो आंध्र प्रदेश में आपको श्रीहरिकोटा बिल्कुल सुमेलित है। ठीक है, हमारे पास फिर पूछ रहा है कि आपको सुमेलित कौन नहीं है, केरल में क्या है, थुम्बा, ये भी बिल्कुल सही है, केरल
केरल में क्या है, आपको थुम्बा जो है वो आपको केरल में अवस्थित है, आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी, जो पार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पार्क, ठीक है, ये आपको कर्नाटक में नहीं बल्कि कहाँ पे है भाई, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है भाई, महाराष्ट्र में है आपको पार्क, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। और पूछ रहा था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सही। राजस्थान पोखरण आपको पता ही है, जहाँ पे आपको 1974 में 1998 में भी जो है ना आपको एटॉमिक टेस्ट किए गए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि जो पहला आपको जो पहला वाला जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, बिल्कुल सही, ठीक है। थुम्बा केरल में, ठीक है। पार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपको कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, न कि कर्नाटक में, गलत हो गया। पोखरण आपको राजस्थान। आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास कुछ स्टेडियम दिए गए हैं, उन स्टेडियम को जो है ना जोड़ी मिलाइएगा। तो एस बाग स्टेडियम आपको भोपाल में है, एस बाग आपको भोपाल में, ठीक है। ब्रेबोर्न आपको मुंबई में, ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ पे है, मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम भी कहाँ पे है भाई, तो मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम आपको मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है भाई, तो मुंबई में। तो बहुत सारे स्टेडियम है, मोहाली पंजाब में है, मोहाली स्टेडियम पंजाब में है, मोहाली भी आप देख लीजिए, बहुत सारे सारे स्टेडियम जो है ना मोहाली स्टेडियम पंजाब में है, ठीक है। अब आगे की ओर बात करते हैं। ब्रेबोर्न आपको जो है ना कहाँ पे है, मुंबई में। ग्रीन पार्क कानपुर, ग्रीन पार्क कानपुर, ग्रीन पार्क कानपुर। अब इडन गार्डन कलकत्ता, इडन गार्डन कहाँ पे है, कलकत्ता में, इडन गार्डन कलकत्ता, ठीक है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, अप्सरा। भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है उसका नाम अप्सरा है, ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत, अब हम लोग आ गए हैं विश्व के भूगोल पे, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग डालने वाला था, ठीक है, रह गया। बिग बूम बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, महाविस्फोट सिद्धांत, ये विश्व के भूगोल में एंटर कर गया है। तो महाविस्फोट सिद्धांत जो है ना आपको किससे संबंधित है, तो आपको महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग नामक एक इंसान थे, उन्होंने 1927 में जो है ना आपको ये थ्योरी दिया था, ठीक है, और 1949 में इसका जो है ना आपको बिग बैंग नाम दिया गया, ठीक है। तो हम लोग जो है बात करते हैं, तो ये हम लोग इस सिद्धांत का प्रतिपादन लेमेंटेयर ने किया था, किसने किया था, आपको जॉर्ज लेमेंटेयर ने आपको बिग बैंग थ्योरी दिया था। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, आपको जॉर्ज लेमेंटेयर ने, जॉर्ज लेमेंटेयर ने आपको इस सिद्धांत को दिया था। बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग नाम के इंसान ने नहीं, बल्कि आपको बिग बैंग थ्योरी जो है ना आपको ब्रह्मांड के संबंधित, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो संबंधित है, उसका आपको सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था, वो आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, बिग बैंग थ्योरी। आकाश गंगा की जो आपको मतलब आकार कैसा है, तो स्पाइरल है। आपको आकाश गंगा की जो आकृति है कैसी है भाई, स्पाइरल है, सर्पिलाकार है, सर्पाकार है, ठीक है। मिल्की वे आकाश गंगा की आकृति जो है ना आपको स्पाइरल है। अगला प्रश्न है हमारे पास, तारे का रंग क्या बताता है, उसका ताप बताता है। जो तारे का रंग है वो उसके ताप को इंडिकेट करता है, उसके ताप को बताता है तारे का रंग। अगला प्रश्न ये है, कृष्ण छिद्र जिसको हम लोग ब्लैक होल कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक होल। ये जो ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था, एस चंद्रशेखर ने, एस चंद्रशेखर भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने आपको क्या दिया था, आपको ब्लैक होल का सिद्धांत, ठीक है। आपको हरगोबिंद खुराना जेनेटिक कोड के बारे में बताए थे, हरगोबिंद खुराना ने क्या बताया था, जेनेटिक कोड के बारे में बताया था, ठीक है। रमन प्रभाव किसने दिया था, तो सीवी रमन ने, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव सीवी रमन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आपको पौधों के जो है ना आपको जो क्रेस्कोग्राफ जो है ना आपको पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र होता है, ठीक है, पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र, पौधों से संबंधित जो है ना आपको जानकारी जो है ना आपको होमियो जहांगीर भाभा ने दिया था, एजे भाभा ने दिया था, ठीक है। तो हम लोगों ने सबके बारे में देखा, सीवी रमन, रमन प्रभाव। हमारे पास ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था, तो एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत दिया था। वह सीमा जिसके बाहर आंतरिक मृत्यु से जो है ग्रसित होते हैं तारे जो है ना, एक वैसी सीमा, चंद्रशेखर सीमा जो है, चंद्रशेखर सीमा किसे कहा जाता है, तो वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो चंद्रशेखर सीमा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था, तो आपको कृष्ण छिद्र भी लिख सकता है, तो ब्लैक होल को कृष्ण छिद्र कहते हैं, तो वो आपको चंद्रशेखर ने दिया था, एस चंद्रशेखर ने। हमारे तारे में
हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल है, कितने कॉन्स्टेलेशंस हैं, देयर आर हाउ मेनी कॉन्स्टेलेशंस इन इन आवर स्पेस, तो हमारे अंतरिक्ष में जो है ना आपको 88 तारा मंडल है, 88 कॉन्स्टेलेशंस हैं। आपको हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल की संख्या है, तो 88 तारा मंडलों की संख्या आपको हमारे अंतरिक्ष में 88 है। तारा मंडल की बात कर रहा हूँ, तारे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह होता है, तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो निश्चित आकृति में व्यवस्थित। आप लोगों ने निश्चित आकृति में व्यवस्थित देखा होगा, अभी रात को आप लोग जो है ना खुले आसमान के नीचे गांव में सोए होंगे, शहरों में तो दिखाई देता ही नहीं है तारे वगैरह प्रदूषण के कारण, पॉल्यूशन के कारण। तो वो जो आपको जो एक निश्चित आकृति में आप लोगों ने उड़न खटोले या जो कुछ भी देखा होगा, जिसको आप लोग कुछ भी कहते हैं गांव में, तो वो जो है ना जो निश्चित आकृति में व्यवस्थित जो तारा का समूह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। निश्चित आपको व्यवस्था में जो तारे का जो आकृति होती है उसको हम लोग नक्षत्र कहते हैं। प्रकाश वर्ष जिसको हम लोग लाइट ईयर कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइट ईयर आपको इज द डिस्टेंस ऑफ इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर जो है ना आपको दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है भाई, तो दूरी का मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, दूरी का पारसेक होता है। ये आपको जो है ना प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा होता है। ये दूरी का मात्रक जब दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापनी होती है तो हम लोग उसको प्रकाश वर्ष में ही मापते हैं। दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में मापते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग बात करें कि प्रकाश वर्ष होता क्या है, लाइट ईयर होता क्या है, तो एक ऐसा डिस्टेंस जो प्रकाश के द्वारा एक साल में जो चली गई दूरी होती है, प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। तारों के मध्य दूरी की, अभी मैंने बताया तारों के बीच की दूरी को ज्ञात करने की जो यूनिट है वो क्या है, प्रकाश वर्ष, ठीक है। दो तारों के बीच का जो डिस्टेंस हम लोग को पता करना होता है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। किसने सबसे पहले बताया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। जो आपको सूर्य है उसकी सारे जो ग्रह हैं वो आपको ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसके परिक्रमा करते हैं भाई, तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो सारे के सारे ग्रह हैं वो आपको किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की। ये सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। किसने बताया था, ठीक है, आई थिंक ये जर्मनी का था, ठीक है। कोपरनिकस ने बताया था कि आपको ये आपको जो सूर्य जो है ना आपको इन सभी ग्रहों का जो है ना केंद्र है और ये सूर्य के चारों ओर जो है ना सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, कोपरनिकस ने बताया था। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को प्लीज अंत तक ही देखिए जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए, बीपीएससी मेंस 2016 सॉरी झारखंड बीसीएस, आप लोग यहाँ उत्तराखंड बीसीएस 2006, तो इस तरह से आपको एमपीपीसीएस, ठीक है, जितने भी आपको क्वेश्चन है यूपीपीसीएस सारे स्टेट के आपको पीसीएस में आया हुआ है, पर ये आपको जो है ना 2004 बीपीएससी में आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो है ना परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद।